हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज व्हिच इज बेस्ड ऑन इज एम एंड आर। राइट फुल सेंटेंसेस, यूज इज और इजंट और आरंट। देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने इन फोर ऑप्शंस में से कोई एक यूज़ करनी है इस को फुल सेंटेंस में चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। योर शूज़ वेरी डर्टी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर ऐड करेंगे शूज़ के बाद। योर शूज़ आर वेरी डर्टी, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट के बाद या जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम योर शूज़ आर वेरी डर्टी। नंबर टू, माय ब्रदर अ टीचर। देखिए यहाँ पर भी आपने वही रूल फॉलो करना है, यहाँ पर आप ब्रदर लिखा हुआ है वर्ड, तो यहाँ पर आपने इज़ लिखना है ब्रदर के बाद। माय ब्रदर इज़ अ टीचर। ओके, ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज़ लिखेंगे, माय ब्रदर इज़ अ टीचर, और माय का एम कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव या जिसे हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, हम हमेशा उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर थ्री, दिस हाउस नॉट वेरी बिग। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नॉट से पहले हमने इज़ लिखना है। ओके, दिस हाउस इज़ नॉट वेरी बिग, ठीक है, यहाँ पर हमने इज़ लिखना है नॉट से पहले, हाउस के बाद लिखेंगे हम, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है हमेशा कि हम सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर फोर, माय कीज इन माय बैग। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कीज़ के बाद हमने आर लिखना है, माय कीज़ आर इन माय बैग। ओके, क्योंकि कीज़ है, कीज़ जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के बाद हम हमेशा आर लिखते हैं, इज़ नहीं लिखते हैं। अब देखते हैं नंबर फाइव, जेनी 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए जेनी जो है किसी पर्सन का नेम है, तो यहाँ पर हमने इज़ लिखना है, देयर इज़ अ सिंगुलर नाउन हियर। ओके, सिंगुलर नाउन के बाद हम हमेशा इज़ लिखते हैं और जेनी का जे कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर सिक्स, यू नॉट वेरी टॉल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यू आर नॉट वेरी टॉल, यू के बाद हमने आर लगाना है, ठीक है। यू के बाद हम हमेशा आर लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या तो एज अ सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट डन इट येट। थैंक यू।